नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन केडीसी न्यूज में। लॉकडाउन से घटी पेट्रोल डीजल की मांग, ऐसा ही रहा तो सरकार के बचेंगे 2 लाख करोड़ रुपए। जी हां, चौंक गए होंगे, चौंकना लाजमी बनता है। इस महामारी के लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले 10 से 20% रह गई है। ऐसे में देश भर के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री बढ़ गई है, इसलिए कंपनियां कच्चे तेल लेकर आ रहे सिप लौटा रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के गिरते दाम और मांग घटने की वजह से सरकार को फायदा हो रहा है। लॉकडाउन घटाएगा इम्पोर्ट बिल, कैसे समझे, आसान भाषा में समझाता हूँ। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर 21 दिन तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और ये करीब 3 महीने तक जारी रहता है तो सरकार के करीब 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। वजह है ऑयल इंपोर्ट बिल में बड़ी कमी। लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण आयात बिल में 30% तक की कमी आने की उम्मीद। देश भर में करीब 78,000 पेट्रोल पंप है। सामान्य दिनों में औसतन 10 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री की जाती है और करीब 32 करोड़ लीटर डीजल की बिक्री की जाती है। इतनी बड़ी खपत वाले देश में 80% से ज़्यादा आयात पर निर्भरता है। ऐसे समय में जब मांग घटकर 1/3 से कम रह गई तो जाहिर है कि आयात बिल में काफ़ी घट जाएगा। जानकारों का मानना है कि आयात बिल में इतनी कमी से सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। वित्त वर्ष 2018-19 में इंपोर्ट बिल करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए का था, जो लॉकडाउन की वजह से इस साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। यानी सीधी सीधी सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। सरकार को एक्साइज का भी नुकसान हो सकता है। लॉकडाउन की वजह से मांग घटने के कारण सरकार को एक्साइज ड्यूटी का भी नुकसान हो रहा है। हाल ही में पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन जब मांग ही नहीं रही तो बिक्री में 80 से 90% की कमी आ चुकी है। तो जाहिर है कि एक्साइज ड्यूटी का भी सरकार को रोजाना नुकसान हो रहा है। सामान्य दिनों की मांग के हिसाब से फिलहाल सरकार को हर रोज पेट्रोल पंप करीब 206 करोड़ रुपए का और डीजल पर 550 रुपए करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी की वजह से सरकार के खजाने में पहुंच। तो दोस्तों, खबर यही होती है खत्म। नई वीडियो नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अभी केडीसी न्यूज से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर से जरूर दबा दें।